गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर डिफरेंशिएशन का देख लिया होगा और जो अपन ने उसमें बेसिक फॉर्मूलाई की बात करी थी वो सारे फॉर्मूलाज आपने क्या कर लिए होंगे, रिमेम्बर कर लिए होंगे। और अगर नहीं किए हैं तो आपको पहले वही वीडियो देखना है और उस वीडियो को देख के जितने भी मैंने बेसिक फॉर्मूला किसके डिफरेंशिएशन के आपको बताए हैं वो आपको याद रहने चाहिए। ये अगर रिमेंबर नहीं है तो आगे की चीज़ें समझना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तो इसलिए पहले वो फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, एक बार रिमेंबर कर लेने। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सारे फॉर्मूले अपन साथ में बोल लेंगे जिससे आपको क्या हो जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी कि मुझे याद है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन ने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, होता है कि नहीं होता। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। अब कई बच्चों की क्वेश्चन उठा होगा दिमाग में कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट क्या, 0 कैसे आया। जैसे अपन बाकी तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे कि फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके डेरिवेटिव का किस तरीके से अपन डिफरेंशिएशन निकालते हैं सभी फंक्शंस का। सिमिलरली अगर कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे अगर मैं बात कहूं, आप खुद सोचो, हमने डिफरेंशिएशन को क्या बोला था, dy by dx बोला था, और आप सभी लोग जानते हैं dy by dx को स्लोप भी बोलते हैं, जानते ही जानते हैं। अब अगर डिफरेंशिएशन किसी चीज का 0 है तो इसका मतलब अगर मैं कह सकता हूं कि उस पॉइंट पर, याद रहे जो dy by dx है ना, एक्चुअली हम उसको इंस्टेंटेनियस स्लोप भी कह सकते हैं। अब इंस्टेंटेनियस स्लोप का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मैं कोई भी कर्व पे चला जाऊं, जैसे मान लो ये कोई कर्व है मेरे पास और मैं इस पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट बना दूं, इस पॉइंट पर अगर मैंने एक टेंजेंट बना दी तो ये जो इस टेंजेंट की स्लोप होती है ना, इस टेंजेंट की जो क्या होती है, स्लोप होती है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, स्लोप इस टेंजेंट की वो क्या होती है, वही उस पॉइंट पर क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, dy by dx की वैल्यू होती है। अब स्लोप अगर 0 है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है उसका डेरिवेटिव भी उस स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं किसकी, dy by dx 0 मतलब कि अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन किया जाए तो डिफरेंशिएशन करने पर हमें वैल्यू कितनी मिलती है, 0 मिलती है। तो आप जरा ध्यान दो, इस dy by dx 0 का मतलब क्या हुआ, स्लोप 0। तो आप खुद सोचो, अगर मैं लिखूं y is equal to constant, क्या लिखूं, y is equal to constant और constant मान लेते हैं कोई भी c, तो आप सभी लोग जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने पढ़ा है कि सर अगर y is equal to any constant लिखा हुआ हो तो आपको मैंने बताया था, याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि अगर y equal to constant लिखा है, जैसे मैं बोलूं y equal to 2 लिखा है, तो y equal to 2 लिखा है तो वो क्या होगी, एक लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी किसके, x एक्सिस के। तो हमने कहा था कि सर दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, अगर यहां 1 है यहां 2 है तो y equal to 2 लाइन कौन सी होती थी, ये वाली होती थी कि नहीं होती थी, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती थी, इसी को तो बोलते थे। अब जरा आप ये ध्यान दें और मुझे बताएं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो आप बोलोगे सर थीटा इज 0, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। और आप सभी लोग जानते हैं सर स्लोप जो होता है वो डिफाइन होता है किससे, टेन ऑफ थीटा से, और टेन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्यों आएगी, बिकॉज थीटा इज 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री इज ऑल्सो 0। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट नंबर इज 0। अब वो कैसे आया, समझ में आया, कोई दिक्कत, ये क्लियरिटी आ गई होगी आपके, ठीक है। अब उसके बाद में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस एक्स। फिर मैंने पढ़ाया था आपको डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो आपने कहा था सर माइनस साइन एक्स। फिर टेन एक्स का पढ़ा, तो टेन एक्स का क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। फिर कोट एक्स का होता था माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद में सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स होता था कि नहीं होता था। फिर अपन पढ़े थे कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का क्या था, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स था कि नहीं था। फिर हमने e की पावर x का पढ़ा था, तो e की पावर x जो होती है, मतलब e रेस टू द पावर x का क्या हो गया, e की पावर x ही होता था, e रेस टू पावर x ही होता था। a की पावर x जो थी, मतलब कि a टू द पावर x या फिर a रेस टू द पावर x बोले,
तो इसका आपको जरूर याद रखना है, डिफरेंशिएशन क्या होता था, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, मतलब कि डी बाई डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे बोलेंगे इसको, रिपीट करें मेरे साथ, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता था, हमें पता है सर ये होता था ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए एट बेस ई, होता था कि नहीं होता था, ये भी आपको फॉर्मूला दिमाग में फिट होना चाहिए। और एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता था वन अपॉन एक्स। याद रहे, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स लिख दूं, तो बिल्कुल गलत लिख रहे हो आप, ऐसा नहीं लिख सकते हो, बिकॉज ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, वो इंटीग्रेशन वाली चीज होती है कि अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, वो आगे की बात है, आगे सीखेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। और ये किस तरीके से ट्रीट होगा, ये ट्रीट होगा x टू द पावर या x रेस टू द पावर माइनस वन की तरह ट्रीट होगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस वन, तो यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे और आसानी से आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी। और हमारे पास ये सारे बेसिक फॉर्मूले थे और हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए थे, ठीक है, और आप सभी लोगों को मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, आई होप आप लोगों ने उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया होगा और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा अगर ये फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट है तो। क्लियर, अब अपन आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन का जो सेकंड पार्ट अपने पास चल रहा है, इस सेकंड पार्ट में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ एल्जेब्रा के बारे में पढ़ते हैं, कुछ एल्जेब्रा लगाते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। दैट मीन्स एल्जेब्रा कैसे लगाएंगे, मान लीजिए सबसे पहली बात करेंगे, हेडिंग नंबर वन अपने पास आएगा एडिशन, क्या आएगा, एडिशन की बात कर रहे हैं। अब एडिशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, कोई भी दो आपको फंक्शन दिए होंगे, अब वो फंक्शन है वो दोनों आपस में ऐड हुए होंगे और आपसे पूछेगा अगला कि बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप आसानी से उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से देखें। लेट सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है वाई, ओके, वाई इज इक्वल टू यू एक्स प्लस वी एक्स। अब बहुत से बच्चों के समझ में नहीं आया, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू एक्स एंड वी एक्स, तो जरा ध्यान दे, यहां पर हमारे पास ये दो फंक्शन है और दोनों के दोनों फंक्शन जो है एफ वन एंड एफ टू, इसको बोल देता हूं, ठीक है, दोनों के दोनों फंक्शन किस में है, ये है एक्स में, दैट मीन्स इन दोनों में एक्स का फंक्शन है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर डी वाई बाई डी एक्स की बात करूं, किसकी, डी वाई बाई डी एक्स की बात करूं, तो यहां पर पॉसिबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक्स के अंदर वेरिएबल हैं और एक्स में है, तो इसका मतलब हम एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और अगर मान लो मैं इसे ऐसे लिख देता वाई इज इक्वल टू यू एक्स प्लस वी टी, अगर ऐसे लिख देता तो आप जरा ध्यान से देखें, इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन u है वो तो x में है बट जो फंक्शन v है वो t में है। और मैं अब आपसे क्वेश्चन करूं, बताओ dy by dx की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा बिकॉज वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो इसका तो हो जाएगा बिकॉज इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स पार्ट है। लेकिन सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन तो होगा ही नहीं बिकॉज इसमें तो वेरिएबल टी है, जबकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप सभी को मैंने बताया था कि अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जैसे ये और ये तो इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट इसलिए है बिकॉज एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और इस फंक्शन में तो एक्स ही नहीं है, तो ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, ये ट्रीट करेगा कांस्टेंट वैल्यू की तरह। और आप सभी लोगों को पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है। आई बात समझ में, क्लियर। चलो तो अगर मान लो आपके पास दो फंक्शन है, एक यू है और एक वी है, दोनों को ऐड कर रखा है, तो आपसे पूछा जाए बताओ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो बहुत ही सिंपल सा दिमाग आपको लगाना है, दोनों फंक्शन का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर दीजिए और बीच में जो साइन है पॉजिटिव का वो लगा दीजिए। तो ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहां अपन लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स, ओके,
इसके बाद में अगर बात करें, हमारे पास पहला फंक्शन क्या आ गया कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है, किसका, यू एक्स का, फिर प्लस लगा देना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है, किसका, वी एक्स का। आई बात समझ में? मतलब अभी तो ये बिल्कुल आपके थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज को देखा नहीं है। अब इसे एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए। लेट सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास है और उसमें बोला है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आपको गिवन है और आपसे पूछा बताओ व्हाट इज द वैल्यू, तो फाइंड dy बाई डी एक्स। अपन को dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सर यहां पर मुझे दिख रहा है कि बीच में एडिशन का साइन है और हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों ही किसमें, एक्स में है, तो इसका मतलब सर मैं इसको यू एक्स की तरह ट्रीट कर सकता हूं और इसको वी एक्स की तरह ट्रीट कर सकता हूं, और अगर इसकी तरह ट्रीट कर सकता हूं तो मेरे पास वो फॉर्मूला बन गया। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके ऐड कर दूंगा। तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करो तो सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स। आई बात समझ में? क्लियर। अब आप सभी को पता होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है सर 2x। कैसे पता चला, याद रखो ये x टू दी पावर n का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर क्या बन जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1, तो ये वाला आंसर आएगा कि नहीं आएगा, सबको याद होगा पिछला लेक्चर अपन ने किया था उसमें सारी चीजें बताई हुई है मैंने, तो आप जरूर उसको ध्यान से पढ़ लेना। d by dx of 2x, अब आपको पता है यहां तो कांस्टेंट है, मल्टीपल में है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो एज इट इज ऐसे का ऐसे आ जाएगा। सर x का कितना हो जाएगा, आपको पता है यहां x टू द पावर 1 भी तो लिखा जा सकता है इसको, तो x टू द पावर 1 का हो जाएगा 1 आगे x टू द पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का मतलब 0, तो x टू द पावर 0 और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया 2x plus 2, that means 2 common आ जाएगा, तो 2 into x plus 1, आया कि नहीं आया, ये हमारा differentiation हो गया इसका। आई बात समझ में? तो ये add करना आपके समझ में आया, बहुत ही आसान था add करना, ठीक है। addition अगर किसी भी function में दिख रहा है और आपको उसका differentiation पूछा है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं, क्या करें, जो भी आपको दिख रहा है उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी और अच्छे से, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू e की पावर x, मतलब e रेज टू द पावर x प्लस a रेज टू द पावर x, और बोला कि बताओ फाइंड, फाइंड करना है अपन को क्या, dy बाय dx। अब dy by dx फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल सर, ये ux की तरह ट्रीट करेगा, ये vx की तरह ट्रीट करेगा, बिकॉज दोनों में x वेरिएबल है और बीच में साइन किसका है, प्लस का है, तो फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, सर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका कर देंगे, बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का साइन, तो आंसर क्या होगा, dy by dx is equal to d by dx। इस d by dx का मतलब समझ में आ रहा है ना, कैसे यू एक्स की जगह पर अपन ई की पावर एक्स रख देंगे, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताइए ई रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप बोलोगे सर ये तो एज इट इज सेम टू सेम ही होता है, ई रेस टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस अब मैं आपसे पूछूं बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ a रेस टू द पावर x, आप बोलोगे सर बहुत सिंपल, a रेस टू द पावर x log ऑफ a एट बेस e, होता है कि नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से अपन ने निकाल लिया, तो आई होप एडिशन आपको समझ में आ गया होगा। तो एडिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको डायरेक्टली क्या करेंगे, जो आपको टर्म्स दिख रही हैं उन टर्म्स का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो अलग अलग और बीच में उसका साइन लगा दो। चलो एक और एग्जांपल, और अब की बार आप मुझे बताएंगे, वीडियो पॉज करके जल्दी से देख के करें कि कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। क्वेश्चन है कि इफ वाई इज इक्वल टू, अगर हमें वाई की वैल्यू जो है वो दे रखी है, क्या वो दे रखी है हमें, टी स्क्वायर प्लस टू ऑफ ई टू द पावर एक्स
प्लस कॉस ऑफ एक्स, ये दे रखा है। तो कितना भी एडिशन हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इतना पता होना चाहिए कि एडिशन साइन है तो सबका अलग अलग कर देंगे और बीच में जो साइन है वो लगा देंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। आप बोलोगे सर dy by dx हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहां पर अपन लिख देते हैं फाइंड dy by dx, तो हमारे पास क्या आएगा सर d by dx ऑफ t स्क्वेयर प्लस d by dx ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई e रेस टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, आएगा कि नहीं आएगा। अब सर ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब जब डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है तो सर इसका कितना होगा आप जल्दी से बता दीजिए। और आप में से बहुत से बच्चों ने फटाफट से दिमाग लगा लिया होगा सर विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया जा रहा है और फंक्शन है टी में, दैट मीन्स दिस इज एट लाइक ए कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर दिस, इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, बिकॉज़ टी स्क्वायर में तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन है उसको अपन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स में होना चाहिए था फंक्शन, तो टी स्क्वायर में है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ टू ई की पावर एक्स, मतलब टू ई की पावर एक्स लिखा हुआ है तो क्या करेंगे सर ये तो कांस्टेंट है तो इसका तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, मल्टीपल में रहेगा, और ई रेस टू द पावर एक्स का सर ई रेस टू द पावर एक्स ही होता है, क्लियर। लास्ट में सर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सभी को पता है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स। इजीली हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, आंसर आ गया टू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस साइन एक्स, इजी और नॉट क्लियर, ये बस पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है सभी के। चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं, और आगे वाला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं एडिशन का, और वो भी आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आई होप एडिशन आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, मैं कह रहा हूं आपको सारे जितने भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन कभी नहीं भूलोगी अगर आप तरीके से पढ़ते हैं, आई बात समझ में। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, वी इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर प्लस टू टी प्लस वन आपको गिवन है, ठीक है, यहां पर v वेलोसिटी है, t टाइम है, ठीक है, और आपसे पूछा है फाइंड dv by dt। सर यहां dv by dt कहां से आ गया, बीच में हम तो dy by dx पढ़ते हुए आ रहे हैं, डोंट वरी, मैंने आपको पहले ही कहा था y और x की जगह कुछ भी हो सकता है, हमें तो फंक्शन को देख रहे हैं कि वो फंक्शन उन दोनों के बीच में डिफाइन है या नहीं। तो जरा देखो क्या v और t में डिफाइन है, यहां y और x में हुआ करता था, अब किसमें डिफाइन है, अब v और t में, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जहां y है वहां पर v है, जहां x है वहां पर t है, तो dv by dt निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल सर dv by dt जो होगा वो होगा d by dt, अब जहां x लेते थे वहां t लेंगे, क्यों, बिकॉज फंक्शन इज इन t, और t में फंक्शन है और t के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो d by dt लेंगे, और d by dt ऑफ t स्क्वायर प्लस d by dt ऑफ 2t प्लस, याद है ना सभी को एडिशन वाले रूल में सब में क्या कर देना है, अलग अलग डिफरेंशिएशन और प्लस लगा देना है, एंड डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू वन, लगाया कि नहीं लगाया। अब मुझे जल्दी से बताओ क्या टी के रेस्पेक्ट में ही टी का हो रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है, दैट मीन्स ये कैसे काम करेगा, ये एक्स रेस टू द पावर एन की तरह काम करेगा, और आसानी से इसको अपन लिख देंगे, इसका आंसर आएगा वो आएगा टू टी, बिकॉज टी रेस टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है सर एन मल्टीप्लाई बाई टी रेस टू द पावर एन माइनस वन, और वो करने के बाद ये टू टी आ जाएगा, प्लस सिमिलरली इसका सर टू कॉन्स्टेंट रहेगा बाहर, और टी का क्या हो जाएगा सर टी टू द पावर वन लिखा हुआ है, इसका मतलब तो ये हो जाएगा वन, अभी मैंने करके दिखाया था एक्स रेस टू द पावर वन का होता है वन आता है, तो वैसे ही टी रेस टू द पावर वन का कितना आएगा, वन ही आएगा, तो यहां पर वन हो गया, प्लस डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और किसका कर रहे हैं जल्दी बताओ सर, दिस इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, और कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन तो सर जीरो होता है, चाहे किसी के रिस्पेक्ट में करो, तो यहां पर जीरो आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया सर dv by dt का आंसर हमारे पास आ गया वो आ गया 2t plus 2, that means 2 कॉमन आया t plus 1, आया कि नहीं आया समझ में, इजी और नॉट, क्लियर है सभी के, पक्का आपको एक डीपी भी जरूर भेज दी जाएगी, ठीक है, ताकि आपको क्या हो जाए ये क्लियरिटी आ जाए कैसे क्वेश्चंस को करना है, एग्जांपल्स बहुत सारे होंगे उसमें आप कर लेना, ठीक है। चलो
आई होप एडिशन आपके कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी फंक्शन आपको ऐड किया हुआ दिया आ जाए तो हम उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे। बहुत ही सिंपल था सर, कैसे हम उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर देंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, चले आगे। चलिए तो अब एडिशन के बाद में हमारा सेट जो सेकेंड टॉपिक आता है वो आएगा सब्ट्रैक्शन। अब किसकी बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि दो फंक्शन के बीच में अपन को सब्ट्रैक्ट किया हुआ मिलेगा, या फिर अपन कह सकते हैं कि डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। सिमिलर जो तरीका आपने एडिशन में लगाया वही तरीका आपको किस में लगाना है, सब्ट्रैक्शन में लगाना है। बस ध्यान रखना है कि बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा, पहले पॉजिटिव आ रहा था। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि इफ y इज इक्वल टू यू ऑफ x माइनस वी एक्स लिखा हुआ है तो आप dy by dx कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे d by dx ऑफ ux माइनस d by dx ऑफ vx, ठीक है। ये बात तो सभी के क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब इसके बाद में एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट सपोज y इज इक्वल टू हमें गिवन है, वो गिवन है sec x माइनस tan x और आपसे पूछा है फाइंड dy बाय dx। तो बहुत ही सिंपली आप क्या कहोगे, सर कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव साइन आ गया तो मतलब सब्ट्रैक्शन वाला है, करना तो कैसे है, इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके लिख देना है। तो क्या करेंगे सर, dy by dx हमें फाइंड आउट करना है तो dy by dx हो जाएगा d by dx of sec x माइनस d by dx of tan x, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। और दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन क्या होता है, सभी को आई थिंक याद होगा बिकॉज अपन ने कल कुछ फॉर्मूले याद किए थे, रिमेंबर किए थे। सर sec x का डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है sec x मल्टीप्लाई बाई tan x, होता है कि नहीं होता, सभी को पता है। सर tan x का डिफरेंशिएशन बीच में माइनस साइन है, माइनस sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। जरा देखो दोनों में से sec x कॉमन आ रहा है, बिकॉज sec x इंटू tan x, sec x इंटू sec x, दैट मीन्स दोनों में से sec x कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही sec x कॉमन लेते हैं तो sec x कॉमन लेने के बाद में इधर तो बच जाएगा tan x और इधर बच जाएगा sec x। तो आंसर इज sec x मल्टीप्लाई बाय tan x माइनस sec x, ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, इसका। क्लियर है क्या, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, आई होप आप लोगों की ये भी क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी ताकि आप आसानी से समझ पाए कि सब्ट्रैक्शन करना भी बहुत ही इजी होता है। आई बात समझ में, चलिए तो अगर अपन बात करें एक और एग्जांपल की, लेट सपोज y इज इक्वल टू अपन को दिया हुआ है और वो दिया हुआ है cot x माइनस tan x, ये दिया हुआ है और आपसे पूछा है फाइंड dy by dx, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे सर, सिंपल, आपने कहा dy by dx निकालना है तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में अलग अलग दोनों को, cot x को भी कर दूंगा, साथ ही साथ में मैं किसको कर दूंगा tan x को भी डिफरेंशिएट कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में। अब सभी लोग जानते हैं सर cot x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, वो जाएगा माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x। ये इतनी जल्दी कैसे आ रहे हैं, बिकॉज आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों को फॉर्मूले दिमाग में फिट रखने हैं और जैसे ही फॉर्मूले फिट रखोगे ये चुटकियों में होने वाले सवाल हैं। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x और सिमिलरली यहां हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x, बिकॉज tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, माइनस दोनों से कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा क्या cos x स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। इजी और नॉट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो डिफरेंशिएट करना मतलब डिफरेंस निकालना, और उसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो बहुत ही इजीली हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अभी तक, कोई दिक्कत किसी के, क्लियर। चलो अगला अपना फॉर्म आता है वो आता है मल्टीप्लीकेशन। क्या आता है
मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हमारे बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझना। अगला जो आता है वो आता है अपने पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हमने अभी काम किया था, यहां पर पता होगा सब में वन लिखा हुआ था, तो समझ लेना कि सेकंड फॉर्म हमारा कौन सा था, वो था सब्ट्रैक्शन वाला। और अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन हमारा कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट, क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, वो नया फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास। लेट सपोज y इज इक्वल टू दे रखा है यू एक्स मल्टीप्लाई बाई वी एक्स, मतलब दो फंक्शन है u एंड v, दोनों को इस बार मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया भैया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस केस में अगर हमसे पूछा जाए बताओ dy by dx की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना है। कैसे, आप किसी को भी जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई दिए हुए हो तो आप किसी को भी u मान सकते हैं, किसी को भी v मान सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले लिखा है वो u है, जो बाद में लिखा है वो v है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप दोनों में से किसी को भी u मान सकते हैं और किसी को भी v मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक को u मान लिया तो दूसरा अपने आप v हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसके बाद में बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखो, याद रखेंगे u फिक्स v का डिफरेंशिएशन प्लस v फिक्स u का डिफरेंशिएशन। रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या करेंगे, दोनों का पेट भरना है आपको, दोनों का पेट भरने के लिए क्या है, दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए ना। तो एक बार क्या करेंगे, एक को रोक लेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर प्लस दूसरे को रोक लेंगे और जो बचा हुआ था उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। क्या बोला हमने, यू फिक्स वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी फिक्स यू का डिफरेंशिएशन, बहुत इजीली दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। क्या बोला जल्दी से रिपीट, यू फिक्स वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी फिक्स यू का डिफरेंशिएशन। लिखना कैसे जरा समझिए, कैसे मैं अब इसको एक काम करता हूं, यू और इसको वी ट्रीट करता हूं, ये एक्स वगैरह नहीं लिखता हूं, ये क्योंकि आपको कंफ्यूज करेंगे बार बार। आप दिमाग में रखेंगे यू और वी एक फंक्शन है जो कि एक्स में डिफाइन है, क्लियर। तो देखो यू फिक्स, यू फिक्स का मतलब यू एज इट इज वैसे का वैसा रखना है, और डिफरेंशिएशन किसका कर देना है, डी बाई डी एक्स कर देना है, किसका, वी वाले का, किसका, वी वाले का। फिर प्लस लगा देना है, अब v का तो डिफरेंशिएशन हमने कर ही दिया ना, तो अब v को तो चुपचाप फिक्स कर दो और उसकी जगह बच गया कौन, d बाई डी एक्स ऑफ u कर देंगे, u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। बहुत ही इजी फॉर्मूला था, आई होप आप लोगों को दिमाग में फिट हो गया होगा। क्या, u मल्टीप्लाई v का जो डिफरेंशिएशन करता है वो कैसे करते हैं, u फिक्स v का डिफरेंशिएशन प्लस v फिक्स u का डिफरेंशिएशन। इजी और नॉट, क्लियर है सभी के, समझ में आ रहा है, चले आगे। तो जरा देखिए इसे एग्जाम्पल से समझना और ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू दे रखा है x मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू दी पावर x, और आपसे पूछा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अपन को क्या दे रखा है क्वेश्चन, x मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू दी पावर x दे रखा है और पूछा है कि आप dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या यहां पर आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है वो u मल्टीप्लाई बाई v की तरह दिख रहा है। बिल्कुल सर, u मल्टीप्लाई बाई v, इसको ऐसे लिख लो x मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू दी पावर x, तो सर ये u की तरह ट्रीट कर रहा है, ये v की तरह, कोई जरूरी नहीं है, ये v मान लो चाहे ये u मान लो, दोनों तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है, कोई दिक्कत। तो जरा ध्यान दे, मैं मान लेता हूं कि ये u है तो ये v है, तो u और v की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो सर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला u इंटू v का लग जाएगा, और वो कैसे लगेगा, सर बहुत ही सिंपल है, y इक्वल टू तो dy बाई dx निकालना है सर हमें, कैसे निकलेगा, इसको u माना, इसको v माना, दैट मीन्स सर u फिक्स, दिमाग में वही लैंग्वेज रखे जो मैंने आपको याद करा दी, u फिक्स v का डिफरेंशिएशन, सर u को फिक्स कर दीजिए, मैंने फिक्स कर दिया u को, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए सर, v वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस सर इस बार इसको फिक्स कर दीजिए, e की पावर x को फिक्स कर दिया सर, u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कर दिया कि नहीं कर दिया। अब मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, x तो फिक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स, सर ई रेस टू दी पावर एक्स का तो ई रेस टू दी पावर एक्स ही होता है, देन ई रेस टू दी पावर एक्स आ गया, आया कि नहीं आया, प्लस प्लस लगा दिया, सर ई रेस टू दी पावर एक्स तो फिक्स कर रखा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, छेड़ेंगे ही नहीं इसको अपन,
और सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब कि अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स का, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप सभी लोगों को पता है कि यहां पर आप एक्स रेज टू द पावर वन मान लेंगे और एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से इसको करने की कोशिश करेंगे तो आंसर कितना आएगा वन। तो जल्दी से बताओ आंसर कितना आया, आंसर हमारे पास आया वो कितना आया एक्स ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स, दोनों में से ई रेज टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो ई रेज टू द पावर एक्स कॉमन आ गया तो एक्स प्लस वन बच गया। तो आंसर क्या हो गया सर ई रेज टू द पावर एक्स, एक्स प्लस वन इज आवर आंसर। क्या आप सभी लोगों के समझ में आया, क्या आप सभी लोगों के क्लियरिटी हो गई है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके आ रही है क्या, मुझे जल्दी से बताइए क्या आप सभी लोगों के मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड इजीली समझ में आया, यू फिक्स वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी फिक्स यू का डिफरेंशिएशन। आई होप बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल आप कर लीजिए और उस एग्जांपल से आपको क्लियरिटी और अच्छे से आ जाएगी कि सर किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल एक और लेते हैं और आप मुझे जल्दी से आंसर बताएं। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू लिखा है साइन x मल्टीप्लाई बाई कॉस x, अगर y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन x मल्टीप्लाई बाई कॉस x और आपसे पूछा बताओ फाइंड कीजिए आप डी वाई बाई डी एक्स, अब आप बताओ क्या बता सकते हो, बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं बिकॉज ये u की तरह ट्रीट कर रहा है, ये v की तरह ट्रीट कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है सर ये u मान सकता हूँ ये v भी मान सकता हूँ, तो u और v की तरह ट्रीट कर रहा है तो सर dy वाई बाई डी एक्स निकालना है तो dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा u फिक्स, u फिक्स मतलब साइन x को फिक्स कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो किसका cos x का, डिफरेंशिएशन कर दो किसका cos x का, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में सर प्लस, अब साइन x नाराज हो जाएगा तो साइन x नाराज हो जाएगा तो कोई बात नहीं मना लेंगे इसको, कैसे इस बार cos x को फिक्स कर दो और साइन x का क्या कर दो डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा सर साइन x को तो आपने फिक्स कर रखा था तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x, सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए ठीक है, माइनस ऑफ साइन x प्लस सर cos x तो cos x ही होता है फिक्स है यहां पर और डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा सर वो हो जाएगा cos x, क्लियर। जरा ध्यान से देखें ये क्या बन गया सर sin x को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा sin स्क्वायर x, पता है सभी को ये बात अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में सीख ली थी, तो sin स्क्वायर x लेकिन सर ये माइनस का बनेगा बिकॉज माइनस भी है मल्टीपल में, प्लस cos x को cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा cos स्क्वायर x, तो यहां पर क्या बन गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बन गया। और ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था इस तरीके का कि ये किसका फॉर्मूला होता है ये cos 2x का फॉर्मूला भी होता है, याद रहे दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज 2x, एंगल में 2 है 2x, क्लियर आई बात समझ में। तो आप इजीली आई थिंक मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला भी आप आसानी से लगा सकते हैं, नो डाउन कर लेना ये जो चीजें स्क्रीन पॉज करके आप, ठीक है क्लियर है चले आगे। अब अपने पास मल्टीप्लीकेशन का मेथड भी बहुत इजीली क्लियर हो गया कि u इंटू वी कैसे लगाते हैं, अब अपन बात करते हैं लास्ट जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा और वो क्या होगा अपन बात करेंगे डिवीजन की, कि अगर दो फंक्शन डिवाइड किए हुए हो आपस में तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएशन उसका भी होता है और इजीली आपको याद हो जाएगा रिमेंबर हो जाएगा, फोर्थ इज डिवीजन। तो डिवीजन का मतलब क्या होगा सर इस बार कुछ इस तरीके से होगा आई थिंक, किस तरीके से सर वाई इज इक्वल टू u ऑफ x डिवाइड बाई वी एक्स लिखा होगा, मतलब एक फंक्शन दिया होगा जिसमें ऊपर एक फंक्शन होगा नीचे एक फंक्शन होगा, ऊपर वाला फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बिकॉज दोनों में वेरिएबल x है और अगर वेरिएबल x नहीं होगा तो वो दूसरा वाला कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ये तो अपने दिमाग में फिट हो ही चुकी है बात। चलो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो dy / dx का डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में फिट रखो, क्या कुछ नहीं करना, इसको मैं u की तरह ट्रीट कर रहा हूं और इसको v की तरह ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है इसको u और इसको v, ठीक है कैसे याद रखना है सर v को फिक्स कर दीजिए u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में,
किसका, यू का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वी को फिक्स कर दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए सर, किसका, माइनस का, यू को फिक्स कर दीजिए और वी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। सर ये तो बहुत ही सिंपल है, पिछले जैसा ही दिख रहा है, बस इसमें माइनस आ गया और उसमें प्लस था, नहीं इसमें एक छोटी सी बात नीचे और ध्यान रखनी है और वो है वी स्क्वायर। वो क्या है, वी स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इजीली आपके क्लियर हो जाएगा क्या, कि v du by dx माइनस u dv by dx डिवाइड बाई v स्क्वायर फॉर्मूला कब लगा देना आपको, जब दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हो और उनका डिफरेंशिएशन पूछा हो। कैसे याद करें सर, जैसे मल्टीप्लिकेशन को याद किया था वैसे इसको याद करो, सेम मल्टीप्लाई वाला याद रखना है, बीच में माइनस लगा देना है, नीचे v स्क्वायर लगा देना है, दिमाग में फिट कर लिया। दोबारा बोलते हैं, क्या सर, v फिक्स u का डिफरेंशिएशन माइनस u फिक्स v का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय v स्क्वायर, फिट कर लीजिए एक बार, दोबारा से रिपीट कर लीजिए दिमाग में फिट हो जाए, क्या v फिक्स u का डिफरेंशिएशन माइनस u फिक्स v का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय v स्क्वायर। क्लियर, आई थिंक ये फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए, और एग्जाम्पल करने के बाद में आपको डीपीपी साथ में भेज दी जाएगी और उस डीपीपी को आप सोल्व करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके, और आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलो फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल कर सकें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन अपन को गिवन है, और क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमें दे रखा है वाई इज इक्वल टू, दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाय, यहां दे रखा है एक्स की पावर थ्री, मतलब एक्स क्यूब दे रखा है। आप जरा देखिए, क्या आपको ये एक फंक्शन दिख रहा है पूरा का पूरा, सर बिल्कुल दिख रहा है। तो ये तो एक्ट करेगा किसकी तरह, यू की तरह, और नीचे वाला एक्ट करेगा किसकी तरह, वी की तरह, करेगा कि नहीं करेगा बताओ। ये यू की तरह कर रहा है, वो किसकी तरह कर रहा है, ये यू की तरह कर रहा है, ये वी की तरह कर रहा है। अब अपन क्या बात करेंगे, सर कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालूंगा, सर फॉर्मूला लगाऊंगा, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले वी को फिक्स करते हैं सर, वी क्या है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को फिक्स कर दिया सर, डिफरेंशिएशन कर देते हैं किसका, यू का, यू ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का, कर दिया कि नहीं कर दिया सर, माइनस का साइन लगाते हैं, यू को फिक्स करते हैं, यू को फिक्स करते हैं, उसके बाद में सर डिफरेंशिएशन कर देते हैं वी का, और वी क्या है, एक्स क्यूब है, और सर बाद में नीचे क्या करते हैं, वी वाले का स्क्वायर कर देते हैं, वी वाले का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, एक्स क्यूब तो फिक्स रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन मैं आपको सिखा चुका हूं, कैसे, एडिशन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा सर, 2x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 2, और d बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0, होगा कि नहीं होगा, क्लियर। सिमिलरली माइनस का साइन आएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा, एक्स क्यूब सर, दिस इज एक्ट लाइक एक्स रेस टू द पावर एन, और एक्स रेस टू द पावर एन का होता है एन इंटू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन, तो यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर, करके देख लेना 3x स्क्वायर आएगा, करा हुआ भी है और आपको बताया हुआ भी है, और नीचे क्या है, ये है सर एक्स क्यूब की पावर 2, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर है तो ये हो जाएगी एक्स रेस टू द पावर 6 हो जाएगी, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बात हमें पता है। अब जरा देखो ये क्या बन गया, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां के बाद में आप इसको इधर की तरफ देखेंगे, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब ये बन जाएगा 2x प्लस 2, तो 2 बाहर ले लेते हैं डायरेक्ट ही अपन ले ले, और ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब, ये बन जाएगा x प्लस 1, और सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा सर, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्लियर।
और डिवाइड बाई एक्स रेस टू द पावर 6। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिवाइड वाले फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, कोई दिक्कत? एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। और डिफरेंशिएशन के चारों जो एल्जेब्रिक पार्ट हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन है, वो चारों पार्ट आपके बिल्कुल समझ में आ जाए। तो एक और एग्जाम्पल जो लेते हैं, वो लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गया? लेट सपोज, मान लीजिए आपको y इक्वल टू दे रखा है, वो दे रखा है cos x डिवाइड बाय, अपन को दे रखा है 10x। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप u अपॉन v भी लगा सकते हैं और इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 10x को sin x अपॉन cos x लिख के, लेकिन मैं इसको u बाई v से सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है तो आप क्या करोगे? dy बाई dx फाइंड आउट करना है। सर ये u की तरह ट्रीट करेगा, v की तरह ट्रीट करेगा, जल्दी से बताओ क्या करोगे? सर dy बाई dx इक्वल टू होता है, सर v को फिक्स कर दीजिए, दैट मीन्स 10x को फिक्स कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सर किसका? cos x का कर दीजिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? सर माइनस का साइन लगा दीजिए, u को फिक्स कर दीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका? v का। और v क्या है हमारे पास? 10x। v क्या है? 10x। सर नीचे v का स्क्वायर कर दीजिए, दैट मीन्स 10x का होल स्क्वायर कर दीजिए। सिंपल सी बात है सर, 10x को फिक्स कर रखा है आपने, तो d बाई dx ऑफ cos x, cos x का सर होता है माइनस ऑफ साइन x। क्लियर? माइनस cos x का हो गया फिक्स और 10x का सर होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x होता है, होता है कि नहीं होता? डिवाइड बाई, सर नीचे हो जाएगा ये 10 स्क्वायर x, क्योंकि मैंने आपको बताया है जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तो 10x स्क्वायर नहीं लिखते, उसको 10 स्क्वायर x लिखते हैं। क्लियर? इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ के बाद में जस्ट इधर है, और वो क्या है? माइनस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई 10x, फिर माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय 10 स्क्वायर एक्स, आंसर आ गया। याद रहे, इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस लिखकर काट पीट के जो भी करना आपको कर सकते हो, लेकिन आपको मेथड समझ में आ गया कि यू अपॉन वी लगाकर किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो डिफरेंशिएशन का है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आप किसी भी टाइप के, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो और चाहे डिवीजन हो, हम चारों तरीके के क्वेश्चन, जो 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं डिफरेंशिएशन के, वो सारे के सारे अपन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।